आज हम जब भी बीमार होते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम घर पे ही डोलो खा के ठीक हो जाएं, या एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और उससे अपना प्रॉपर इलाज कराएं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका एक प्रॉपर तरीके से इलाज करता है, प्रॉपर मेडिसिन आपको देता है, और जब आप घर पे अपना डोलो खा के ठीक होते हैं तो उसमें कुछ और रिस्क भी एसोसिएट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका वायरल फीवर है तो हो सकता है वो काफ़ी दिन लगा दे ठीक होने में, या दो तीन दिन लगा दे और उसके बाद भी आप ठीक ना हो तो फिर अगेन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और आप पहले ही अगर डॉक्टर के पास चले गए तो उसको पता चल जाएगा, वो आपको उसी हिसाब से मेडिसिन दे देगा, दवाई दे देगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्टली इज़ द केस विद म्यूचुअल फंड्स। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव कराने में आपकी हेल्प करे और वेल्थ क्रिएशन में आपकी हेल्प करे। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल सेंट्री शाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज़ अनुज एंड यू आर वॉचिंग NISM सीरीज 5A पास फॉर श्योर वीडियोस। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 कवर किया, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। हमने देखा SID SAI क्या होते हैं और क्यों इतने ये इंपॉर्टेंट हैं एक इन्वेस्टर के लिए फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इस चैप्टर में मेन जो पार्ट्स हैं वो हैं रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्री रिक्विजिट्स टू बिकम ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रेवेन्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कमीशन डिस्क्लोजर मैंडेटेड बाय SEBI एंड नॉमिनेशन फैसिलिटीज फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड चेंज फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत होती है जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी हेल्प करता है, जो हेल्प करता है आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरा करने के लिए। लेकिन ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते क्यों हैं और इनका रोल क्या है और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए? देखिए, एक इन्वेस्टर को जब अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने होते हैं तो वो म्यूचुअल फंड में आता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने आता है, म्यूचुअल फंड की डिफरेंट स्कीम्स में वो इन्वेस्टमेंट करता है। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जैक्टली आपके रिस्क को देखते हुए, आपके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए, आपके इमरजेंसी नीड्स को देखते हुए आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान तैयार करता है और आपको डिफरेंट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता है कि कहाँ कहाँ आपको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो पूरी बास्केट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको बताता है कि किस तरीके से कौन से फंड्स में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया आपको लॉन्ग टर्म में कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकता है जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। ये पूरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कराने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जिसे हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जानते हैं। अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जॉब इज़ टू असेस द नीड्स, लिमिटेशंस, रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द इन्वेस्टर। वो एक इन्वेस्टर की नीड्स को समझते हुए, उसके लिमिटेशंस को देखते हुए, उसके फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए उसको म्यूचुअल फंड्स के बारे में इन्वेस्ट करता है किस स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, तो उसी हिसाब से वो आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी गाइड करेगा कहाँ पर आपको SIP करनी चाहिए। आप मिड एज में हैं, 45-50s में हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट और एसेट एलोकेशन अलग रहेगा, और अगर आप 60-65 ईयर्स से हैं तब आपका एसेट एलोकेशन अलग रहेगा। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही दे सकता है, आपको एक एक्सपर्ट ही दे सकता है। अब हमने बात की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है, अब बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की। इंडिया में कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं? सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल प्लेयर्स। देखिए, इंडिया की हिस्ट्री रही है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, चाहे आप LIC से लेके UTI तक, बहुत सालों से, पिछले 40-50 सालों से ये चला आ रहा है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। और आज के टाइम में हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड सबसे पहला ऑप्शन आता है। एक इंडिविजुअल प्लेयर जिसको हम MFD बोलते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक सिंगल पर्सन हो सकता है, एक सिंगल पर्सन की एंटिटी हो सकती है। कोई भी एक सिंगल पर्सन जब एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आ सकता है एज अ सिंगल एंटिटी ओनली। अब आती है नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स की कैटेगरी। देखो, नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स पार्टनरशिप हो सकती है, फर्म्स हो सकते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकता है, NBFCs हो सकते हैं, कुछ कंपनीज और बैंक्स को भी हम इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। इन बोथ द केसेस इन्वेस्टर को सर्विस एक इंडिविजुअल ही देता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो फर्म का या एजेंट हो। अब बात करते हैं बैंक्स की। देखिए, आज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस सिर्फ इंडिविजुअल और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स या रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स तक ही सीमित नहीं है, बैंक्स भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और बैंक्स हैव एमर्ज्ड एज अ
prominent player in the last 10 years. And banks have emerged as a prominent channel in the last few years. अगर आप पिछले 8-10 साल का 6 साल का डेटा उठा के देखें तो बैंक्स का जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो बहुत बढ़ गया है. बैंक्स अपने क्लाइंट्स को बहुत म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं. और ये प्राइवेट बैंक्स तक सीमित नहीं है, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, PSUs भी हैं, जो भी आगे आकर अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब बात करते हैं मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड सेल किए जाते हैं एक इन्वेस्टर को, और कैसे एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड्स में आज के टाइम पे. देखिए, अगर मैं प्री कोविड एरा की बात करूँ, जब व्हेन 80% ऑफ द ट्रांजेक्शन वर ऑफलाइन, फिजिकल फॉर्म आपको साइन करके देना होता था, उसके साथ चेक देना होता था या डिमांड ड्राफ्ट देना होता था, और या अगर आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर करते थे तो अपनी बैंक स्टेटमेंट उसके साथ देते थे. बट आज इन 2023 केस बिल्कुल उल्टा हो गया है. इवन 90% ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑनलाइन, 10% ऑफ द ट्रांजेक्शन आर स्टिल ऑफलाइन, बट द ह्यूज अमाउंट एंड ह्यूज इनफ्लोज इन म्यूचुअल फंड्स आर कमिंग ऑनलाइन. कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर एक वेबसाइट के जरिए अपनी वेबसाइट बना के इन्वेस्टर्स को ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं. सेकंड इज स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स. आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE दोनों के पास अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. जहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास है BSE स्टार MF, वहाँ NSE के पास NSE MF प्लेटफॉर्म है. दोनों प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर BSE का स्टार MF यूज़ करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर NSE का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं. जितनी भी AMCs हैं इंडिया में, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे सारी लिस्ट हैं. सो आप कभी भी, कोई भी इन्वेस्टर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके किसी भी AMC में इन्वेस्ट कर सकता है. थर्ड इज़ कंप्यूटर बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड एप्स बाय द डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं. वो आपको ऐप, अपनी जो भी उनकी वेबसाइट है उसके नाम की ऐप भी लॉन्च करते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस भी आपको मिलती हैं. आप एक डेस्कटॉप पे लॉगिन कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप ऐप के थ्रू देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे लॉगिन कर सकते हैं, अपने फ़ोन पे देख सकते हैं. सो ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल कराता है डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर्स को. लास्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द AMC. ईच एंड एवरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अपना खुद का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनकी वेबसाइट है, जहाँ पे जाकर एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है. और वेबसाइट पर जाकर डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने क्लाइंट्स का पैसा लगा सकता है. सो दो लॉगिन ID क्रिएट होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए. सारी AMCs में ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर इन्वेस्टर्स. डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन करके अपने क्लाइंट्स का पैसा इन्वेस्टमेंट करा सकता है. द होल प्रोसीजर इज ऑनलाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम द KYC टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द KYC और आपका इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट करने से लेके और आपका पेमेंट लिंक भेजने तक एवरीथिंग इज ऑनलाइन. हमने देखा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू देयर इन्वेस्टर्स. अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. What are the prerequisites to become a mutual fund distributor? सबसे पहला है obtaining NISM certification. जिस चीज़ के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं, NISM सीरीज 5A का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल, जो भी इंडिया में म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मैंडेटरी है उसके लिए ये मॉड्यूल क्लियर करना. बहुत ईजी मॉड्यूल है. देर आर 12 चैप्टर्स इन NISM सीरीज 5A. पास फॉर श्योर वीडियोज, देर आर 12 चैप्टर्स इन NISM सीरीज 5A. हम सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 6. और बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं. कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ऑब्टेनिंग NISM सर्टिफिकेशन. आपको certifications.nism.ac.in पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, आपको एग्ज़ाम देना है, और सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा, और विद इन 2-3 days आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा. आपको अपनी KYD करानी होगी, नो योर डिस्ट्रीब्यूटर. इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ये देखते हैं. सेल्फ अटेस्टेड पैन कॉपी, आपको पैन नंबर देना होगा सेल्फ अटेस्ट करके. द बायोमेट्रिक प्रोसेस, ARN होल्डर की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, इसका बायोमेट्रिक प्रोसीजर होगा, और प्रॉपर तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. ये सारा का सारा प्रोसेस आपको कैंप्स में जाके कराना होगा. आपको एक रिसीट मिलेगी कि आपने KYD प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है. तो जैसे ही आप KYD प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आप अपने ARN के लिए अप्लाई करेंगे कैंप्स में जाके.
KYD हो गई, आपने कैंप्स में ARN के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको आपका ARN नंबर यानी कि MFI रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। उस MFI रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके आप AMCs के पास जा सकते हैं, जिस भी AMC में आपको बिजनेस करना है उस AMC के साथ आप एम्पैनलमेंट करा सकते हैं। एम्पैनलमेंट फिजिकल भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। इन केस ऑफ फिजिकल एम्पैनलमेंट यू हैव टू गो टू द AMC ऑफिस, यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड गिव इट टू द AMC। और अगर आप ऑनलाइन एम्पैनलमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ जिस भी AMC के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं उस AMC की वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है और अपना MFI रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है वो डालना है। जैसे ही आप डालेंगे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, यू जस्ट हैव टू एक्नॉलेज इट और आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। विद इन वन और टू वर्किंग डेज आपके पास मेल भी आ जाएगी और आप अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। आपको मैं प्रोसीजर भी बता देता हूँ कि जब आप एक म्यूचुअल फंड हाउस के पास या AMC के पास जाते हैं एम्पैनलमेंट कराने के लिए तो वो क्या प्रोसीजर है या क्या क्या डिटेल्स के से आपको गुजरना पड़ता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है NSM में, सो देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फिल करनी है फॉर्म में। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका नाम, आपका पैन नंबर, एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आप एक इंडिविजुअल हैं या आप एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द की पीपल हु आर मैनेजिंग द ऑफिस और सेल्स एंड ऑपरेशंस, आपकी सारी बिजनेस डिटेल्स, आपका ऑफिस कहाँ है, नंबर ऑफ ऑफिसेज, नंबर ऑफ आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनके सबके एड्रेस क्या हैं, आपकी बैंक डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एम्पैनलमेंट फॉर्म में फिल करनी होती है, चाहे वो आप ऑनलाइन एम्पैनलमेंट कर रहे हैं या ऑफलाइन एम्पैनलमेंट कर रहे हैं। ये फिल करने के बाद AMC के पास आपका फॉर्म सबमिट होता है। उसके बाद AMC विदिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, विदिन 1 or 2 वर्किंग डेज आपको मेल भेज देती है दैट यू आर एम्पैनल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। अब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपने सर्टिफिकेट भी ले लिया, आपने ARN से ARN नंबर भी ले लिया, आपका एम्पैनलमेंट भी डन हो गया। अब देखते हैं आपका रेवेन्यू कैसे आता है। व्हाट इज़ द रेवेन्यू फॉर ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? अल्टीमेटली हम ये काम रेवेन्यू के लिए ही कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे रेवेन्यू कमाता है। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रेवेन्यू आता है कमीशन के तौर पे, जो म्यूचुअल फंड कंपनी से देती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम्स। जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको एक कमीशन आनी शुरू हो जाती है। जो भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी की बेचते हैं, वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको उन स्कीम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बदले आपको कमीशन प्रोवाइड करती है, वो आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आता है। जब एक इंडिविजुअल एक स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्ट करता है, यानी कि BSE Star MF से करता है, NSE MF से करता है, तब भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन आता है, बस उसने आपका ARN कोड अपनी इन्वेस्टमेंट में डाला हो, या अगर आपका खुद का एक इन्वेस्टमेंट पोर्टल है, आपने खुद की वेबसाइट बनाई है, सो अल्टीमेटली वो बिजनेस आपके कोड में डायरेक्ट ही आ जाएगा और उस बिजनेस पे आपको कमीशंस आएंगी। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि जो आपकी कमीशंस आती हैं, जो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन है, वो ट्रेल के तौर पे आती है। फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी भी इन्वेस्टर का कुछ इन्वेस्टमेंट कमाया, फॉर एन एग्जांपल आपने एक इन्वेस्टमेंट कराई 1 करोड़ रुपए की किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में, और अगर उस स्कीम में 1% आपको आ रहा है कमीशन, सो 1 lakh rupees इज़ द कमीशन, सो वो आपको ट्रेल कमीशन के रूप में आएगा, यानी कि हर महीने वो आपको ट्रेल आएगी और वो डिवाइड बाय 12 होके आपको आएगा। सो 1 lakh divided by 12 एवरी मंथ यू विल रिसीव दीज पे आउट्स। बट ट्रेल कमीशन की सबसे अच्छी बात होती है कि ट्रेल ऑलवेज कम्स ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ एनी वन इज इन्वेस्टेड 1 crore rupees and within 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 10 years, that money has grown to 2 crores, 3 crores, 4 crores, so then your earnings would also get multiplied. Yani ke aapko jo pehle commission, trail commission aapko 1 crore pe aa rahi thi, now you will get the trail commission on 2 crore, 3 crore, 5 crores, whatever the portfolio value is. आपको कमीशन उस मार्केट वैल्यू पे आएगा। सो कहने का मतलब है, आपको जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर का AUM बढ़ता, जैसे जैसे इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड में वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम भी बढ़ती जाएगी। वो 1 crore का जो इन्वेस्टमेंट था, वो 1 crore 10 lakh हुआ, 1 crore 20 हुआ, 1.5 crore हुआ, 2 crore हुआ, सो आपकी
एक करोड़ से दो करोड़ अगर इन्वेस्टर के पैसे की वैल्यू हो गई, वो डबल हो गई, सो एक तरीके से आपकी भी, माना जाता है कि आपकी भी जो रेवेन्यूज़ हैं, जो इनकम है, वो भी डबल हो गई। और लॉन्ग टर्म में पैसा पड़ा हुआ है, तीन गुना चार गुना हो गया। सो देखिए कि रॉयल्टी का बिज़नेस बन जाता है यहाँ पे। आपको एक जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो आज आपने किए हैं लॉन्ग टर्म में, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करा सकते हैं। एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपका इन्वेस्टर को तो फ़ायदा हो ही रहा है, और एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी आपकी इनकम बढ़ रही है। सो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेल कमीशन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST की बात करते हैं ऑन कमीशंस अर्न्ड बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखिए, अगर आपकी ईयरली रेवेन्यूज या अगर आपकी ईयरली कमीशन 20 लाख से ऊपर है, तो दैट इज़ सब्जेक्ट टू द GST। आपको GST देना पड़ेगा 20 लाख के ऊपर अगर आप रेवेन्यूज कमा रहे हैं तो। अगर आपकी ईयरली इनकम या ईयरली रेवेन्यूज 20 लाख से कम है, सो आपको GST नहीं चार्ज होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कमीशन डिस्क्लोज्ड मैंडेटेड बाय SEBI। जो मैं फॉलोइंग पॉइंट्स अब बताने जा रहा हूँ, SEBI ने बोला है सारी AMCs को कि कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर इन पॉइंट्स में फॉल करता है, तो वो AMC SEBI को वो डेटा भेजेगी। एंड दीज पॉइंट्स आर, फर्स्ट, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस मोर देन 20 लोकेशंस, AUM रेज्ड ओवर 100 करोड़ अक्रॉस द इंडस्ट्री इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी बट इंक्लूडिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिसको हम HNIs बोलते हैं। द कमीशन रिसीव्ड ऑफ ओवर 1 करोड़ पर एनम अक्रॉस इंडस्ट्री एंड द कमीशन रिसीव्ड ऑफ ओवर 50 लैक्स फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड AMC। म्यूचुअल फंड कंपनीज को चाहिए कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है, इसमें से एक भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो उसका डेटा AMFI को भेजा जाए। और अब बात करते हैं ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर बाय AMC फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो जो पॉइंट्स SEBI ने बोला था एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को करने हैं, उन्हीं सारे पॉइंट्स पे AMC एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी जज करती है। वो सारे चारों पॉइंट्स मैं फिर से दोहराता हूँ। सबसे पहला, मल्टीपल पॉइंट प्रेजेंस मोर देन 20 लोकेशंस, AUM रेज्ड ओवर 100 करोड़ अक्रॉस द इंडस्ट्री, द कमीशन रिसीव्ड फॉर ओवर 1 करोड़ पर एनम अक्रॉस इंडस्ट्री एंड द कमीशन रिसीव्ड ऑफ ओवर 50 लाख फ्रॉम अ सिंगल म्यूचुअल फंड्स। सो एक AMC इन चारों पैरामीटर्स पे आपको देखेगी, और अगर आपने किसी भी पैरामीटर में आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपका डेटा SEBI के पास भेजा जाएगा। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल प्रोसीजर, दिस इज जस्ट अ ड्यू डिलीजेंस बाय द AMCs। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मैंडेट है करना, एक तरीके से मैंडेटरी है, SEBI ने बोला है सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। और AMCs सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का डेटा SEBI को भेजती है, AMFI को भेजती है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने देखा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रेवेन्यूज कमाते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कौन होते हैं और वो किस तरीके से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से अलग हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से NISN की बुक में इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के बारे में बताया गया है कि वो इंडिविजुअल जो ARN होल्डर नहीं है, जो AMFI में रजिस्टर्ड नहीं है, और वो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस कर रहा है रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र इन SEBI, वो आपको RIA होता है, यानी कि इन्वेस्टर एडवाइज़र होता है, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होता है। The investment advisors has to be registered with SEBI. SEBI से registration लेने के बाद, license लेने के बाद, आप advisory का business भी start कर सकते हैं। जब आप इस advisory business में आपको distribution के जैसे trail commission नहीं आएगी, इसमें आप अपनी advice fees charge कर सकते हैं। आप जो भी advice किसी को भी दे रहे हैं, आपको fees के ज़रिए आप fees charge कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है, वो अपनी ट्रेल कमीशन कमाता है। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने का या म्यूचुअल फंड को एडवाइज़ करने का AMC से कमीशन नहीं आएगी। यहाँ पर आप एज एन RIA काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र काम कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी आप फीस चार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द की डिफरेंस बिटवीन द टू। अब चलते हैं नॉमिनी फैसिलिटीज़ टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखिए, सारी AMCs डिस्ट्रीब्यूटर्स को नॉमिनी अपॉइंट करने की फैसिलिटी देती हैं। आप जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं या एम्पैनलमेंट करते हैं, तो आप अपनी नॉमिनी की डिटेल्स उसमें डालते हैं। कभी भी कोई मिस हैपनिंग होती है, तो आपकी जो भी ट्रेल कमीशंस हैं, जो भी आपकी कमीशन चली आ रही है, वो एज इट इज़ आपकी नॉमिनी को दे दी जाती है। हर महीने वो कमीशंस आपकी नॉमिनी को आती रहती हैं।
या हर महीने वो कमीशंस नॉमिनी को आएंगी जब तक कि आपका AUM या आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स जो कराई हैं, जितने भी आपके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं मार्केट वैल्यू पे, वो कमीशन आपके नॉमिनी के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आती रहेंगी जब तक आपका पैसा इन्वेस्टेड है, जब तक एक इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्टेड है। इसीलिए नॉमिनेशन इज़ मैंडेटरी, नॉमिनी कराना बहुत ज़रूरी है। टिल द लास्ट रुपी एक म्यूचुअल फंड कंपनी, इन द केस ऑफ द मिस हैपनिंग, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के नॉमिनी को पैसा देगी। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ एन इन्वेस्टर थिंक्स कि उसको एक डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करना है, सो वो एक रिटर्न रिक्वेस्ट AMC को दे सकता है कि चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कराना है, और AMC उस रिटर्न रिक्वेस्ट पे डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर देगी, या जो भी आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर फिर आपके पोर्टफोलियोज को हैंडल करेगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि AMC को ज़रूरी भी नहीं है कि एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर को ये बताए, उसको बिना बताए ही डिस्ट्रीब्यूट आपका जो कोड है वो चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आपका चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी इन्वेस्टर एक AMC के पास आके रिटर्न रिक्वेस्ट दे के एक डिस्ट्रीब्यूटर चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वेस्ट दे सकता है। सो गाइज, दैट वॉज ऑल फ्रॉम द चैप्टर 6। अब हम चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल्ड में डिस्कशन किया जाए, डिटेल में वीडियो बनाया जाए, तो आप प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए या हमें कॉल कीजिए, हम आपको उस टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में समझाएंगे या डिटेल में वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमने देखा कि सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, बैंक्स भी ये काम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कर सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फर्म्स भी कर सकते हैं। सो इसका आंसर फॉल्स है, सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर सकती हैं। सो आंसर इज बी, फॉल्स। इन वट फॉर्म डू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न रेवेन्यू, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से पैसा कमाते हैं। ए, कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम्स, फीस कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, जो म्यूचुअल फंड्स कमीशन अपनी कमाते हैं, रिवेन्यूज कमाते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम्स टू द AMC। सो आंसर इज ए, कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स और द AMCs फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कीम्स। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन ओनली अर्न अपफ्रंट कमीशन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमने देखा कि अपफ्रंट कमीशन नहीं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेल कमीशन कमाता है जो डिवाइड बाय 12 होके हर महीने उनके अकाउंट में आती है। सो द आंसर इज बी, यानी कि फॉल्स। अपफ्रंट कमीशन ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ अपफ्रंट कमीशन कमाता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा ट्रेल कमीशन कमाता है। तो आंसर इज बी, यानी कि फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न नो कमीशन व्हेन द इन्वेस्टर चूजेस टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान्स। जब एक इन्वेस्टर चूज करता है डायरेक्ट प्लान को, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन नहीं आता है, एंड द आंसर इज ट्रू। सो गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, आप मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोस के साथ जुड़े रहें। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इज नेट वैल्यू इन द नेट एसेट्स, किस तरीके से हम NAV निकालते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट द NAVs ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। सो थैंक यू सो मच, दैट इज़ ऑल फ्रॉम द चैप्टर 6। थैंक यू गाइज।